हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर मैं आप सभी के लिए भूतों की कुछ और सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आ गया हूं। तो अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर और डर को बेहद करीब से देखते हैं। मेरा नाम अभिषेक है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। पैसे से मैं एक कपड़े की दुकान पर काम करता हूँ और मुझे बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है। ये बात आज से तकरीबन 4 साल पहले की है, जब एक रोज उस कपड़े की दुकान के मालिक को कुछ ज़रूरी काम आ गया तो उन्होंने दुकान बंद करवा कर उस दिन मुझे छुट्टी दे दी। मैं भी वापस अपनी साइकिल से अपने घर के लिए निकला। खेतों के बीच से कच्चे रास्ते से होता हुआ मैं अपने घर जा रहा था। उन दिनों गर्मियों का वक्त चल रहा था और बेहद कड़ी धूप के साथ ही गर्म लू भी चल रही थी और मैं लगातार पैडल मारता हुआ बस चले जा रहा था कि तभी झाड़ियों के किनारे से अचानक एक बच्चा मेरे सामने आ गया। जाहिर सी बात थी कि अचानक उस बच्चे के मेरे सामने आ जाने से मैंने जोर की ब्रेक लगाई और उस बच्चे से बोला कि क्या छोटू, मरने का इरादा है क्या? मगर मेरी बात का उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। देखने से वो करीब 8-10 साल का लग रहा था और उसने काले रंग की टी शर्ट पहन रखी थी। मैं दोबारा साइकिल पर पैडल मारने ही वाला था कि तभी उस बच्चे ने मुझसे कहा कि मुझे आम के बगीचे तक छोड़ दो। आम का बगीचा भी उसी कच्चे रास्ते से होकर करीब 0.5 किलोमीटर आगे था और वैसे भी मुझे उस बगीचे से गुजरकर ही अपने घर जाना था। तो मैंने भी उस बच्चे को अपनी साइकिल पर पीछे बैठा लिया और वहाँ से चल पड़ा। फिर रास्ते में मैंने उस बच्चे से बात करने की कई बार कोशिश की मगर वो मेरी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। और फिर आम के बगीचे के पास पहुँचकर मैंने अपनी साइकिल रोकी और उस बच्चे से कहा कि चलो छोटू, उतरो, आ गया तुम्हारा आम का बगीचा। मगर इस बार भी उस बच्चे ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि मेरी साइकिल पर तो कोई बच्चा बैठा ही नहीं था। वो देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने चारों तरफ देखा मगर कहीं भी मुझे वो बच्चा नज़र नहीं आया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि तभी आम के बगीचे में एक आम का पेड़ जोरों से हिलने लगा। ऐसा लगा मानो अभी ज़मीन से उखड़ जाएगा। मैं एकटक उस आम के पेड़ को देख रहा था कि तभी मेरी नज़र उस आम के पेड़ पर काफ़ी ऊपर उल्टा लटके उस लड़के पर पड़ी जो अब अपने असली रूप में आ गया था, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और लड़खड़ाकर मैं साइकिल से नीचे गिर गया। उस लड़के का चेहरा बिल्कुल सपाट था और उसकी आंखों की जगह पर 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनसे रह रहकर एक नीली रोशनी चमक रही थी और वो ब्रेत उस आम के पेड़ पर उल्टा लटका मेरी ओर ही घूर रहा था और उसके शरीर पर लंबे और काले बाल थे। वो खौफनाक मंजर देखकर मेरे हाथ पांव कपकपाने लगे और मेरा शरीर पसीने से तार तार हो गया। मगर फिर हिम्मत जुटाते हुए मैंने अपनी साइकिल उठाई और वहां से भागने ही वाला था कि तभी वो प्रेत
जोरों से शैतानी हंसी हंसने लगा। उसकी वो दिल दहला देने वाली खौफनाक हंसी सुनकर मेरी चीख निकल गई और मैं साइकिल वहीं फेंक पूरी जान लगाकर रोता बिलखता हुआ वहां से भागा और तब तक नहीं रुका जब तक कि मैं अपने घर नहीं पहुंच गया। और मेरे घर पहुंचने पर जब घर वालों ने मेरी ऐसी हालत देखी तो पूछा, तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। सारी बातें सुनकर घर के सभी लोग भी सकते में आ गए और मेरी माँ ने मुझे फौरन हनुमान जी की चालीसा पढ़ने और उनके मंदिर पर तुरंत माथा टेकने को कहा। मैंने भी ठीक वैसा ही किया। खैर, इसके बाद कभी दोबारा मेरा सामना उस खूंखार प्रेत से नहीं हुआ, मगर आज भी उस घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम अनुज है, ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात आज से तकरीबन 2.5 साल पहले की है, जब एक रात स्टेशन से मैं वापस अपने घर लौट रहा था। स्टेशन से मेरे घर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की थी और उस वक्त रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे, मगर मैं एक छोटा रास्ता जानता था जो ट्रेन की पटरियों के किनारे से होकर मेरे घर से बस कुछ ही दूरी पर निकलता था। तो मैंने उसी रास्ते से जाने का फैसला कर लिया। ट्रेन की पटरी के किनारे से होता हुआ मैं बस चले जा रहा था, मगर अभी मैं कुछ दूर आगे पहुंचा ही था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे मेरे साथ साथ चल रहा है। तो मैंने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि मेरे पीछे कोई भी नहीं है। मैंने दोबारा आगे चलना शुरू कर दिया, मगर अभी मैं 2-4 कदम आगे चला ही था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा, जिस वजह से मैं एकदम से सकपका गया और दोबारा पीछे पलटने ही वाला था कि तभी उस अनजान चीज ने मुझे बालों से पकड़कर एक झटके से जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरने के साथ ही मुझे ज्यादा चोटें तो नहीं आई, मगर मेरे हाथ छिल गए और खून बहने लगा। लेकिन खुद को संभालते हुए जब मेरी नज़र सामने की ओर गई तो वहां पर मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे सामने एक लंबा सा जीव खड़ा था जो दिखने में तो इंसानों जैसा था, मगर उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी और उसकी आंखें चमक रही थी बिल्कुल किसी पीले बलू की तरह। वो देखकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे और मैं जोरों से चीखने चिल्लाने लगा कि तभी उस खूंखार जीव ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे उठाकर ऊपर हवा में टांग दिया और मेरे शरीर को जानवरों की तरह सूंघने लगा। डर और खौफ से मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। रोते बिलखते हुए मैं उस भयानक जीव के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मगर मेरे गिड़गिड़ाने का भी उस जीव पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बेरहमी से मेरे मांस के लोथड़ों को नोच नोच कर चबाने लगा और मैं जोरों से दर्द भरी चीखें मारने लगा और मेरा शरीर खून से लथपथ हो गया। अब मुझे मेरी आंखों के सामने मेरी मौत नजर आने लगी। दर्द और खौफ से मैं जोरों से झटपटाने लगा कि तभी वो जीव मुझे घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा कि तभी मुझे पटरियों पर एक ट्रेन आती दिखी और ट्रेन के नज़दीक आते ही उस जीव ने मुझे उठाकर जमीन पर पटक दिया और अगले ही पल वो मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया।
जमीन पर सर के बल गिरने से मेरा सर फट गया और मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तब मैं हॉस्पिटल में था। मेरे सर पर 4 टांके आए थे और मेरा काफ़ी खून बह गया था। डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ते हॉस्पिटल में ही बेड रेस्ट करने को कहा। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ किसने एडमिट करवाया? तो डॉक्टर ने बताया कि एक आदमी को आप पटरियों के किनारे बेहोश पड़े मिले थे और आपके सर से बहते खून को देखकर उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया और फौरन पुलिस ने तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। डॉक्टर की बात सुनकर मैंने मन ही मन उस आदमी को धन्यवाद कहा और 1 हफ्ते बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही मैं अपने घर पहुंचा। आज इस घटना को हुए 2.5 साल बीत गए हैं, मगर आज भी उस घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम विजय है। ये मेरे और मेरे दोस्त सागर के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब सागर मेरे बार बार बुलाने पर मेरे गांव आया था। सागर से मेरी दोस्ती एक बड़े शहर के कॉलेज में हुई थी। सागर उसी शहर में रहता था। हम काफ़ी अच्छे दोस्त थे। कॉलेज की छुट्टियों पर मैं अपने गांव आया था और इसीलिए मैं सागर को मेरे गांव में बुला रहा था। आखिरकार मेरे बार बार कहने पर उसे आना ही पड़ा। उसके गांव आने पर हमने खूब मौज मस्ती की। एक रात तकरीबन 8:30 बज रहे होंगे जब हम दोनों मेरी छत पर बैठे बातें कर रहे थे कि बातों बातों में ही मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि भाई विजय, आज ही किसी से मैंने सुना कि तुम्हारे गांव से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा तालाब है और वो देखने लायक है। उसके पूछने पर मैंने उससे कहा कि हाँ यार, वो तालाब यहाँ से कुछ 3-4 किलोमीटर ही दूर होगा और हाँ, वाकई वो तालाब देखने लायक है। वो तालाब राजा महाराजाओं के समय से है। मेरे दिमाग में वो तालाब आया ही नहीं। कल सुबह ही हम वो तालाब घूमने के लिए निकलेंगे। मेरी बातें सुनकर मेरा दोस्त सागर बोला कि क्या बात कर रहा है यार, राजा महाराजाओं के समय से? तब तो बेशक वो देखने लायक है। चलना भाई, अभी चलते हैं वो तालाब देखने। मेरे दोस्त की बात सुनकर मैंने उसे मना करते हुए कहा कि नहीं भाई, हम उधर रात को नहीं जा सकते। तो उसने कहा, क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकते हम उधर रात के वक्त? तो मैंने मेरे दोस्त से कहा कि भाई, कल सुबह होते ही हम उस तालाब को देखने चलेंगे, लेकिन अभी रात के वक्त वो रास्ता सफ़र के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है। वो रास्ता हॉन्टेड है और उस तालाब में डूबकर कई लोगों की मौत हो चुकी है। मेरी बातें सुनकर मेरा दोस्त हंसते हुए बोला कि क्या यार, तू भी इतना पढ़ा लिखा होकर इन भूत प्रेत के चक्करों में उलझा हुआ है। भाई, ये भूत वूत कुछ नहीं होता, बस ये तुम्हारे मन का वहम है जो आज मैं निकाल कर रहूँगा। इसके बाद सागर मुझसे उसी वक्त वो तालाब देखने जाने की जिद करने लगा। आखिर उसकी जिद के आगे मुझे झुकना ही पड़ा और वही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। मुझे इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था। मैंने घर वालों से यहीं पास में घूमने के लिए जा रहे हैं ऐसा बोलकर हम बाइक से घर से निकले। बाइक पर मेरे पीछे बैठा सागर बार बार भूतों का मजाक बना रहा था।
और मेरी उस बात के लिए बार बार मुझ पर हंस रहा था। मैंने उसे ऐसी बातें ना करने की सख्त हिदायत दी और उससे कहा कि हम उस तालाब के पास ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे और वापस घर के लिए निकलेंगे। अब तक रात के 9 बज चुके थे। गांवों में ज़्यादातर लोग इस वक्त खाना खाकर सोने के लिए लेट जाते हैं, इसीलिए सन्नाटा पसरा हुआ था। रास्ता बिल्कुल खाली था। रास्ते पर ना तो कोई इंसान था ना इंसान की जात। बाइक को तेज रफ्तार में भगाता हुआ मैं बस चले जा रहा था कि तभी मुझे रास्ते पर कुछ ही दूरी पर एक आदमी खड़ा नजर आया और करीब पहुंचने पर पता चला कि वहां पर बीचों बीच रास्ते पर कोई सर झुकाए खड़ा था। उसकी पीठ हमारी तरफ थी और हम रास्ते के जिस ओर से निकलने की कोशिश करते वो आदमी वहीं आकर खड़ा हो जाता। उस भूतिया रास्ते पर मैं बाइक रोकना तो नहीं चाहता था, मगर ना चाहते हुए भी मुझे वहां अपनी बाइक रोकनी पड़ी और हम जोर जोर से हॉर्न देते हुए उस आदमी से रास्ते से हटने को कहने लगे। मगर उसे तो जैसे हमारी बात सुनाई नहीं दे रही थी और वो जोर जोर से अपना सर गोल गोल घुमाने लगा। उसे ऐसा करते देख मुझे काफी डर लगने लगा। यहां कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसीलिए मैं बाइक को वापस मोड़ने लगा, जिस पर मेरे दोस्त ने मुझे रोकते हुए कहा कि क्या हुआ, तू बाइक क्यों वापस ले रहा है। तो मैंने उससे कहा कि भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। तो उसने कहा कि क्या यार इससे डर रहा है, अबे ये कोई बेवड़ा है जो पीकर रास्ते पर हरकतें कर रहा है, तो रुक मैं अभी इसके कान पर एक रसीद के आता हूँ। और ऐसा बोलकर वो बाइक से उतर गया और उस आदमी की तरफ जाने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की मगर वो रुका नहीं और उस आदमी के करीब पहुंचकर वो उसे धक्का देने ही वाला था कि तभी वो आदमी अपने असली रूप में आ गया और उस भूत ने मेरे दोस्त की गर्दन पकड़ ली। वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और डर के मारे मेरे हाथ पांव कपकपाने लगे। उस खूंखार और भयानक शक्ल वाले भूत को देखकर मेरे दोस्त के पसीने छूट गए और वो जोरों से रोता भी लगता हुआ मुझे उसकी मदद के लिए बुलाने लगा। मगर मुझे पता था कि अगर मैं उस भूत के करीब भी गया तो अपनी जान से जाऊंगा, इसीलिए हिम्मत जुटाते हुए मैंने बाइक को यू टर्न लिया और कुछ लोगों को अपने साथ लाने के लिए गांव की तरफ भागा। गांव पहुंचकर कुछ लोगों को अपने साथ लेकर मैं वापस उसी जगह पहुंचा तो मैंने देखा कि उस जगह पर अब कोई भी नहीं था। वो देखकर मुझे अब बेहद डर और घबराहट होने लगी और दिमाग में मेरे दोस्त को लेकर अजीबोगरीब ख्यालात आना शुरू हो गए। मगर खुद को संभालते हुए मैं और बाकी गांव वाले हर तरफ मेरे दोस्त को ढूंढने लगे। मगर पूरी रात ढूंढने के बाद भी वो हमें कहीं नहीं मिला और फिर सुबह गांव के ही आदमी से खबर पाकर मैं उस तालाब की तरफ भागा और उस तालाब के करीब पहुंचकर मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि तालाब पर मेरे दोस्त की लाश तैर रही थी। पानी से उसका पूरा शरीर इस कदर फूला हुआ था कि उस दिल दहला देने वाले
मंजर को देखकर मैं लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने बिलखने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मेरे दोस्त की मौत दम घुटने के कारण हुई है। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे दोस्त सागर के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको यार आज की कहानियाँ? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना यार, क्योंकि मुझे आप सभी की कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और ऐसी ही डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्लडी संडे चैनल पर हफ्ते में कई सारी सच्ची डरावनी कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं यानी आपका दोस्त जय फिर मिलता हूँ कुछ और सच्ची डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, आबाद रहिए और जहाँ भी हैं मचाते रहिए है।